नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कहते हैं इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। हर व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग बातें सोचता है, उसके मन के विचार अलग अलग हो सकते हैं। यदि दिमाग में चल रही इन बातों को सामने वाला व्यक्ति जान पाए ऐसा मुश्किल नजर आता है। लेकिन इन दिनों बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी बात को लेकर काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि उनके भक्तों की माने तो वो बिना किसी से पूछे उनके मन की बात का पता चला लेते हैं, लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं, उनके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये बता देते हैं। बिना सामने वाले व्यक्ति के बताए उनका मोबाइल नंबर तक बाबा बता देते हैं। ऐसे में आपका सोचना लाजमी है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बाबा सच में चमत्कारी है या फिर इसके पीछे माइंड रीडिंग छिपी हुई है? तो चलिए जानते हैं कि अगर ये माइंड रीडिंग है तो फिर ये क्या है और कैसे होती है। दरअसल माइंड रीडिंग का मतलब ये होता है कि बिना जाने सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना, बिना किसी साधनों के इस्तेमाल के दूसरे व्यक्ति के दिमाग के विचार को जानना ही माइंड रीडिंग कहलाता है। इस क्रिया में व्यक्ति अलर्ट रहकर अपना दिमाग खुला रखकर सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग को समझता है। कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके और सलाह के जरिए दूसरे व्यक्ति के दिमाग को प्रभावी ढंग से पढ़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक इसी सहानुभूति सटीकता कहते हैं जिससे ये संकेत मिलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाता है। माइंड रीडिंग करने वाले लोग निरंतर अभ्यास करते हैं। कहा जाता है कि ये लोग दिन में कम से कम 2 से 3 बार ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे लोगों के अंदर एकाग्रता होती है जो किसी का दिमाग पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। कई लोग ये समझते हैं कि शायद माइंड रीडिंग विज्ञान पर आधारित है, या पर यह ये भी समझना ज़रूरी है कि माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है। जानकार मानते हैं कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, हो सकता है कि आप गलत भी हो, क्योंकि यहाँ पर आप केवल प्रासंगिक सुरागों के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं। माइंड रीडिंग करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव कैसे हैं, व्यक्ति की आँखें कैसी है, उसकी मुद्रा कैसी है, उसके चेहरे के हाव भाव क्या कह रहे हैं। बोलने के हिसाब से यदि तरीकों को देखकर माइंड रीडिंग करने में मदद मिलती है।